एप्पल के फैक्ट के बारे में ये वाली जो वीडियो है वो सेकंड है, फर्स्ट वाली लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जरूर चेकआउट कीजिएगा उसे भी। फैक्ट नंबर 10 की तरफ यहाँ पर चल लेते हैं फटाफट। फैक्ट नंबर 10 जो है एप्पल के बारे में वो है 30 से 50 जो है एप्पल वन के कंप्यूटर जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं उन्हें उनकी कीमत लगभग $50,000 से ज्यादा है, और आप इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देख सकते हैं तो एप्पल वन की कीमत इतनी है। सो फैक्ट नंबर 9, 2015 के अनुसार अगर हम देखें तो एप्पल स्विट्जरलैंड, स्वीडन और नाइजीरिया से भी ज्यादा वर्थ था, और अभी तो उसकी नेटवर्क जो है वो बढ़ ही चुकी है। सो फैक्ट नंबर 8, एप्पल जो बाय कर सकता है डिज्नी को और इसके संग संग कोका कोला को भी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि वो सिंपल कैश भी पे कर सकता है इन दोनों को संग में खरीदने के बाद, तो ये बहुत बड़ी बात बनाई थी अपने आप में। सो फैक्ट नंबर 7, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा यार, पहले के ज़माने में लैपटॉप से और ये मोबाइल्स थे, आईपैड्स में सब में है ना रेक्टेंगल डिस्प्ले आती थी, और रेक्टेंगल डिस्प्ले आने के बाद जो है यही ट्रेंड चलता रहा, लेकिन एप्पल ने जो यहीं पर चमत्कार कर दिया कि राउंडेड कॉर्नर्स के मोबाइल जो है यहाँ पर आईपैड जो है यूएस में बनाना स्टार्ट कर दिए, और जो भी थे रेक्टेंगुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसने बनाना स्टार्ट कर दिए, तो इसी को कॉपी करते करते इतनी सारी ब्रांड्स आजकल रेक्टेंगल में राउंडेड कॉर्नर्स के अब अपना मोबाइल फ़ोन या फिर इलेक्ट्रिक डिज़ाइन निकाल रही है, तो ये एप्पल की ही देन है, आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सो फैक्ट नंबर 6, एप्पल अगर होल्ड नहीं करेगा $181 बिलियन ओवरसीज, यानी कि यूएस से बाहर अगर वो $181 बिलियन होल्ड नहीं करेगा तो उसे यार यूएस में मंगाने के लिए $59 बिलियन तो टैक्स ही पे करना पड़ेगा, तो यार इससे बढ़िया तो है वहीं पर रख लें अपने उसको अपने पैसों को। सो फैक्ट नंबर 5, सीरी जो है वो पहले सोची गई थी एंड्रॉयड और ब्लैकबेरी के मोबाइल्स में आने के लिए, लेकिन बाद में जो है इसे एप्पल ने अप्रैल ऑफ 2010 में परचेज कर लिया। जैसा आप देख सकते हैं एप्पल ने बहुत सारी चीज़ें पाई हैं और इससे ही बहुत सारी चीज़ें कमाई हैं, जैसे आईपॉड जो है वो फिलिप्स और रियल नेटवर्क्स इसकी कीमत नहीं समझ पाए, सीरी की एंड्रॉयड और ब्लैकबेरी नहीं समझ पाए, और बहुत सारी चीज़ें जो स्टीव जॉब्स समझ गए और उन्होंने अपना दिमाग लगाकर इसे मॉडिफाई करके अपने पैसों कमाने की और बेस्ट प्रोडक्ट्स देने के उद्देश्य को सामने रखा और यहाँ पर सक्सेसफुल लाइफ जी। तो फैक्ट नंबर 4, एप्पल जो आईफोन जो आप चार्ज करेंगे, अगर आप पूरे दिन पूरे साल हर दिन अपने मोबाइल को फुल चार्ज करेंगे यानी कि 100% चार्ज करेंगे तो वो सिर्फ आपकी लाइट कंज्यूम करेगा $0.25, तो ये आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देख सकते हैं इतनी वो लाइट कंज्यूम करता है आपकी। सो फैक्ट नंबर 3, एप्पल जो है वो रशियन स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा वर्थ है, और अब जैसा कि आपको पता है कि उसकी नेटवर्थ तो और बढ़ ही चुकी है। सो फैक्ट नंबर 2, 2015 में एप्पल ने रिकवर किए थे £2,204 ऑफ गोल्ड, इतने गोल्ड £2,204 के गोल्ड उसने रिकवर कर लिए थे ब्रोकन आईफोन से, जिसकी कीमत अराउंड $40 मिलियन होगी, उस गोल्ड की $40 मिलियन उसका फायदा हो गया ब्रोकन आईफोन से ही। सो फैक्ट नंबर 1, ये आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, आईफोन जो है वो कंटेन करता है 0.0012 ounces ऑफ गोल्ड और 0.012 ounces ऑफ सिल्वर एंड 0.00001 ounces ऑफ प्लेटिनम, जिसकी कीमत अराउंड $1.52 $0.24 और $0.017 है। दोस्तों आज के फैक्ट इतने ही खत्म होते हैं, पहली वाली वीडियोस भी जरूर देखिएगा, एप्पल की वीडियोस भी देखिएगा, और मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है वो भी जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, सब वैसे बेल आइकन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर आपके फैक्ट्स कौन सा अच्छा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर, और आपको कोई और फैक्ट पता है वो भी जरूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर।